मेरी इन पंक्तियों का उद्गमन मेरे कलम से तब होता है जब मैं हर रोज सुबह अखबार अपने हाथों में लेता हूँ। मैं उसमें गांधी जी के व्रत के बारे में पढ़ता हूँ और भगत सिंह के आदर्शों से रूबरू होता हूँ और उसी खबर के ठीक नीचे मुझे आज के नेताओं के स्वामी मनुक्ता, अवसरवादिता और भाई भतीजावाद देखने को मिलता है। तब मैं लिखता हूँ, ताबूतों के घट पर लेटे, ताबूतों के घट पर लेटे, अनगिनत लाशों के ढेर, ताबूतों के घट पर लेटे, अनगिनत लाशों के ढेर, मर गए मिट गए न जाने, मर गए मिट गए न जाने, कितने भारत माँ के से हृदय विदारक माँ के भीगे आंचल, हृदय विदारक माँ के भीगे आंचल, जहाँ रोई पे कुआए हो, ताबूतों के घट पर लेटे, अनगिनत लाशों के ढेर। दोस्तों, हमारे सभी धर्म ग्रंथों, गीता, पुराण और बाइबल का सार यह है कि हमें सभी धर्मों को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, पर हमें देखने को मिलता है आतंकवाद, धर्म परिवर्तन और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने वाले लोगों के उपदेश। तब मैं वो लिखता हूँ और यहाँ मेरा घर थोड़ा चुप जाता है। तब मेरे शब्द इस प्रकार है क्या मजहब उस मुल्ला का, है क्या मजहब उस मुल्ला का जो मुल्क खिलाफत परस्ती करे, है क्या मजहब उस मुल्ला का जो मुल्क खिलाफत परस्ती करे, है क्या नीयत उस पंडे की जो पत्थर के नाम पर पत्थर बोए, है क्या फितरत उस नीच कुल मुखिया का, है क्या फितरत उस नीच कुल मुखिया का जो राखी की कीमत लगाए, है क्या मंसूबे उस देशद्रोही के जो बस आतंक ही आतंक फैलाए, जो बस आतंक ही आतंक। और आज की व्यथा को देख कर मुझे बैरागी जी की चंद पंक्तियां याद आ रही है। वो लिखते हैं, हे अमावस, हे अमावस, लड़ाई युद्ध है अंधियार से, हे अमावस, लड़ाई युद्ध है अंधियार से, अब इस लड़ाई को हम भला लड़े कौन से हथियार से, अब इस लड़ाई को हम लड़े भला कौन से हथियार से। तो उन्हीं के भाव को मैंने अपने शब्द रूप दिए हैं, वो इस प्रकार हैं, हो गए वो तरुणी भाषा के, हो गए वो तरुणी भाषा के, जो कश्ती ला दिला एथे पार, हो गए वो तरुणी भाषा के, जो कश्ती ला दिला एथे पार, हो गए वो तहरी और द्वार, खो गए वो आंगन पहरेदा, है शाम अधूरी भगत के बिन, शाम अधूरी भगत के बिन, रश्मि रोए बिना जात, शशि की मनसा निसार्थक स्वतंत्रता, शशि की मनसा निसार्थक स्वतंत्रता, तब हो नव भारत निर्माण, तब हो नव भारत निर्माण। दोस्तों, ये पंक्तियां मैं हर रोज लिखता हूँ, हर क्षण लिखता हूँ, जब भी अकेला होता हूँ तब लिखता हूँ। और मुझे कभी कभी ये लगता है कि मेरी पंक्ति ना हो, ये आपकी पंक्ति हो, आपकी पंक्ति हो, हम सबकी पंक्ति हो, और ये हम लोग सिर्फ लिखते या बोलते ना हो, इसे हम जीते हैं, हर रोज जीते हैं। अब जबकि ये आपकी पंक्तियां, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, सुनिएगा। कुछ अश्रु मेरे रुक गए, कुछ अश्रु मेरे रुक गए, कुछ बूंद पलकों के परे न चलते, कुछ अश्रु मेरे रुक गए, कुछ बूंद पलकों के परे न चलते, मनुज की मृत्यु से बिखरी छवि जो दर्पण से न निकले। दोस्तों, यहाँ मनुज का अर्थ है मनुष्य, मानवता का उद्गमन मनु अश्रद्धा से हुआ है। तो आज की व्यथा को देख के लगता है जैसे मनु मर गया हो, मानवता संसार हो गई हो। तब मैं लिखता हूँ, मनुज की मृत्यु से बिखरी छवि जो दर्पण से न निकले, मेरा मान गाथा खोलता, मेरा मान गाथा खोलता, मर मेरे उच्छ्वास का, मैं मूक नहीं, मैं मूक नहीं, मैं मूक नहीं, मैं हूँ भाषा का प्रहरी, मेरी वेदना को आहट के परे न समझे, मेरी वेदना को आहट के परे न समझे। जय हिंद।